मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मनी एंड करेंसी, यानी कि मुद्रा और चलन में अंतर की। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि मनी क्या होता है। मनी इंक्लूड नॉट ओनली पेपर नोट्स, मेटलिक कॉइन्स, बट ऑल्सो इंक्लूड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, चेक, ड्राफ्ट एंड ट्रैवलिंग चेक एंड एक्सेट्रा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुद्रा के अंतर्गत, यानी कि मुद्रा का जो पार्ट बताया गया है बहुत ज़्यादा बड़ा बताया गया है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जिसके अंदर आपने देखा कागजी मुद्रा सम्मिलित किया गया है, धात्विक कॉइन्स यानी कि जो सोने चांदी और जो एल्यूमिनियम या मिक्स मेटलिक के जो धातु के जो सिक्के बनते हैं उनको भी सम्मिलित किया है। साथ ही साथ इसमें साफ उपकरण, यानी कि जो हम कह सकते हैं जो आपने बैंक में देखा होगा चेक होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं या ट्रैवलिंग चेक होते हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। यानी कि मनी के अंदर वो सारी वस्तुएं सम्मिलित की गई हैं जिसमें कि स्टोर करने का पावर हो या एक्सचेंज करने का पावर हो या फिर ट्रांसफ़र करने का पावर हो, वो सभी सभी वस्तुएं इसमें सम्मिलित कर दी गई हैं। यानी कि मनी का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा बताया गया है। जबकि बात करते हैं करेंसी, करेंसी का मतलब होता है चलन। करेंसी इंक्लूड मेटलिक कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, यानी कि इसमें जो कह सकते हैं धातु की सिक्के और पेपर जो कागजी नोट होते हैं वो चलेंगे। देयर आर रेफर एज करेंसी, इनको हम कह सकते हैं चलन या करेंसी कह सकते हैं, बिकॉज दिस थिंग्स आर लीगल टेंडर एंड आर एक्चुअल सर्कुलेट इन द कंट्री। यानी कि इनमें मेन चीज़ क्या होती है कि जो भी आपके ये सिक्के हुए या पेपर नोट हुए उनमें आपकी लीगल टेंडर सी होनी चाहिए, यानी कि आपके सरकार के द्वारा उन्हें करेंसी के रूप में कह सकते हैं जारी किया जाता है, यानी कि वो मौद्रिक लेन देन के लिए यूज़ कर सकते हैं देश में। और जो आप देखते हैं मार्केट में जो सर्कुलेट होते हैं वो सारे के सारी, अगर जो पेपर नोट हैं या कॉइन्स हैं जिसको सरकार कहती है कि आप इसे जनरली सामान्य रूप से एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो सारी की सारी किस्में आएगी करेंसी में आएंगी। तो मेन वर्ड क्या हो गया, लीगल टेंडर, यानी कि करेंसी कौन सी होती है जिसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि जो पहले के 500 नोट थे वो आपकी आज के टाइम में करेंसी नहीं है, क्योंकि वो पुराने 500 के नोट को चेंज कर दिया है जो नए वाले 500 के नोट आए हैं उसमें। तो अभी हम अगर वो पुराना नोट अगर यूज़ करें मार्केट में तो 500 का नोट वो नहीं चलेगा, राइट। या अगर हम बात करें कि हमारे 1000 के नोट जो आपकी पुराने जो नोट थे जो एक समय में करेंसी थे, वो आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम में वो आपकी करेंसी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें एक लीगल टेंडर से मान्यता उसकी हटा दी गई है, यानी कि उन्हें अब करेंसी नहीं माना गया है। तो इसका मतलब है कि करेंसी कौन सी होगी जो हमारे सरकार के द्वारा, यानी कि जो कानूनी रूप से कह सकते हैं विधिग्राह होगी, यानी कि उसमें कम से कम आपके सरकार के द्वारा ये बताया जाएगा कि ये आप जो मुद्रा है उसको करेंसी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है वो इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि जो आपके साख मुद्रा होती है वो इसमें चलन में इसलिए सम्मिलित नहीं होती है क्योंकि उसमें लीगल टेंडर वो जो पावर होता है कानूनी वो नहीं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ऑल करेंसी इज मनी, यानी कि सारी की सारी जो करेंसी चलन में है वो क्या है, मुद्रा है। क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ करेंसी जैसे कि कुछ मेटलिक कॉइन्स होंगे, कुछ पेपर नोट होंगे जो सरकार ने उनको मान्यता दे रखी होगी, तो वो करेंसी होंगे, वो पहले मनी है और उसको सरकार ने मान्यता देते ही वो क्या बन गई, करेंसी बन गई है। तो इसके लिए क्या सेंटेंस यूज हो सकता है कि ऑल करेंसी इज मनी बट ऑल मनी इज नॉट करेंसी, यानी कि जितनी भी मुद्रा है जरूरी नहीं है कि सरकार सारी मुद्रा को करेंसी घोषित करें, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जितनी भी मनी जो मनी में इंक्लूडेड है उन सबको सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाए करेंसी के रूप में। तो ये एक इसका मेन डिफरेंस का एक लाइन हो गया, राइट। तो अगर हम बात करें कि मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो मनी में आप जानते हैं मनी में बहुत सारे पेपर नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गया, चेक, ड्राफ्ट यानी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड होते हैं। जबकि करेंसी में कौन से होंगे, करेंसी में वही करेंसी में पेपर नोट्स और कॉइन्स आएंगे जिन्हें लीगल टेंडर होगा, राइट। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि करेंसी में मेन क्या होता है, परचेजिंग पावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्रय करने की जो शक्ति होती है वो रहती है, राइट। और मनी में हम उसे कह सकते हैं कि एक तरह
से वो एक स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। और जो मनी रहता है उसमें नो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जबकि करेंसी में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। साथ ही हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड की, जिसे कहते हैं नियर मनी यानी निकट मुद्रा। देखिए नियर मनी का मतलब हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें ट्रेजरी बिल है, बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, डिबेंचर हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं नियर मनी। नियर मनी का मतलब होता है वो मनी नहीं होता है, यानी कि वो मनी का एक सब्सटीट्यूट होता है। सब्सटीट्यूट का मतलब कि यानी कि इन सब में क्या होती हैं कि आप इसको जल्दी से लिक्विडिटी में यानी कि कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो और सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि नियर मनी का मतलब क्या हो गया कि जो मनी नहीं होती है वो एक मनी का सब्सटीट्यूट होता है, एक प्रतिस्थापन होता है कि जब भी जरूरत है आप उसे लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो देखिए देयर आर क्लोज सब्सटीट्यूट, ये ध्यान रखिएगा कि ये मनी का क्लोज सब्सटीट्यूट होता है लेकिन ये मनी नहीं होता है, राइट। तो देयर आर क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर मनी एंड लिक्विड असेट्स, ध्यान रखिए ये तरल संपत्ति के रूप में माना गया है। तरल संपत्ति का मतलब क्या हो गया कि इसे जब भी हम चाहें तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि हमें जब भी रिक्वायरमेंट है, हमें कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो इन सबको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नो लीगल स्टेटस यानी कि इसका कोई भी कानूनी जो प्रावधान है वो नहीं होता है, राइट। और नो जनरल एक्सेप्टेबल, ये ज़्यादातर जनता के द्वारा स्वीकार किया जाए ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि कोई भी अगर आपको पेमेंट करना है और आप उसे ट्रेजरी बिल या आप उसे इसका ऑफर करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, राइट। तो इसमें नो जनरल एक्सेप्टेबल होता है, जबकि जो करेंसी वगैरह होती है उसको जल्दी से कह सकते हैं एक्सेप्टेबल होती हैं, जल्दी से स्वीकार कर ली जाती हैं। तो ये होता है निकट कह सकते हैं मनी का जो पार्ट है।